नौजवान ने लगाए औरत उत्ते ठगी मारन दे दोष एसएसपी नूं कीती शिकायत। जिले रोपड़ दे पिंड टक्की दे एक नौजवान वल्लों रोपड़ दे पुलिस मुखी नूं शिकायत कीती है कि एक औरत ने व्याह दा चासा दे के मोटी ठगी मारी है। पिंड टक्की विच रह रहे नौजवान जसवीर सिंह ने दस्सिया कि वह पेशे वजों एक टैक्सी ड्राइवर है ते टिकटॉक ते उसका एक औरत नाल प्यार हो जाता है। पहला तो इस औरत ने दस्सिया कि वह हाई कोर्ट दे विच नौकरी करती है, परंतु पता करन ते पता लगा है कि वह पटियाले इलाके दे किसी पिंड विच रहिंदी है। जसवीर सिंह ने उसने दस्सिया कि उसका पहला पति मर चुका है ते उस पास दो लड़कियां हैं। इस मामले संबंधी जांच अधिकारी SI रणबीर सिंह संधू नाल गल करन ते उन्होंने दस्सिया कि मामले की गंभीरता दे नाल जांच की जा रही है। औरत वालों एक फर्जी करारनामा किया होया है। इस मामले विच जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़के की माँ ने दस्सिया कि उक्त औरत घर विच ओ हर वेले टिकटॉक बनाती रहती सी। आओ देखते हैं कि है यह सारा मामला। जसवीर सिंह है, पिता नाम प्रेम सिंह, पिंड सैनी माजरा ढक्की का रहन वाला है जी। मैं ये शिकायत की है, मेरे एक जन लेडीज ना टिकटॉक से रिलेशन हुआ सगा, जिदे बाद असी साड़ी मैरिज हो गई। मैरिज कोर्ट लॉकडाउन के हुई है जी, तो वो फोटो सारा कुछ प्रूफ है जी। हूँ 9 महीने रहने के बाद भज गई वे घरों, मकान का एफीडेविट बना के तो आ दरखास्त दिती भी है। मैं हरेक जगह जा रहा हाँ पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है जी कि भी, तो उल्टा समय वो धमकियाँ दे रही है जी भी मैं तेरे पर यह कर दूंगी वह कर दूंगी। कदे वो अपने आप को हाई कोर्ट मुलाजम दसती है, कदे कांग्रेस का अध्यक्ष दसती है, कदे कुछ दसती है जी। सगों पत्रकारों भी हूँ धमकियां दी जा रही हैं कि भी मैं जे मेरे पर कोई वो करूँगा तो मैं जहर खा के मार दूँगी। आ साढ़े ने जमीन का स्टाम्प बनाया हुआ जी, ये मकान दिखा के साढ़े ना ये करारनामा किया है तो साढ़े तो 2 लाख रुपया लिता है, तो हूँ वो 9 महीनों के बाद घरों भज गई। तो पड़ोसियों तो 50,000 रुपया कहिंदी लिता हुआ और नौकरी का झांसा दिता हुआ भी थोड़े मुंडे नूं हाई कोर्ट नौकरी लवा दूंगी, उन्होंने भी पैसे नहीं दे रही है। हाँ जी पहले दर्शको, अज एक बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टोरी लेके असं पेश हुए हैं। स्टोरी यह है कि धोखाधड़ी का मामला है। अजक नवें नवें तरीके ठगियां बज रही ने, तो काफ़ी जिहड़ियां चर्चा दे विच हन जिवें कि साइबर क्राइम दी जिहड़ियां हुंदियां ने। साइबर क्राइम चलो पुलिस बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल फड़ नहीं सकती, लेकिन जिहड़ी शरेआम जिहड़ी कोई ठगी मार रहा जिवें कि एक औरत इस घर दे विच आउंदी है ते घर दे नाल अटैचमेंट होण तों बाद उस घर दे विच इन घोल मिल जाती है कि उन्हां नूं विश्वास विच लै के ये दसदी है कि बिल्कुल उन्हां दा जिहड़ा पहला जिहड़ा मैरिज होई सी ते उन्हां दे घर वाले दी मौत हो चुकी है। तो दोबारा इत्थे एक लड़का हैगा जस्सी नाँ दा जिहदे नाल उहदी अटैचमेंट हुंदी है, तो अटैचमेंट तो बाद बिल्कुल घर दे विच रहिण दी पिछले लॉकडाउन की सारी कहानी है। ये तो उहदे बाद इन्हां नूं विश्वास दे विच इस तरह लैंदी है कि इन्हां वल्लों 2-2.5 लाख रुपया की ठगी मार के इस वेले फरार दसी जा रही है। इस दी जिहड़ी बिल्कुल शिकायत जिहड़ी है पटियाले पुलिस नूं रोपड़ पुलिस नूं भी कीती हुई है, लेकिन हाले तक इस ते किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। असी हुण पहुँचे हुए हाँ उस नौजवान दे घरे ढक्की विच जिथे उन्हां दी माता वल्लों जिहड़ा 2 लाख रुपया जिहड़ा बिल्कुल दिता गया। की मामला हैगा माता नूं जाणदे हां, आओ चलदे हां। हाँ जी हुण पहुँच चुके हैं माता जी कोल, माता जी नाल गलबात करदे की गलबात होई। हाँ जी माता जी की गल, सारी कहानी की होई है, किस तरह तुसीं ठगे गए? बस असीं इदां ठगे गए भी सानू उन्हें इहो जिहे प्यार ले च लिया, मम्मी मेरा कोई है नहीं। शुरू तों दस्सो भी तुहाडे जिहड़े क्या फोन आया? हाँ जी सानू मैनूं फोन करन लग गई महीने के बाद भी मम्मी मेरे न्याणा ठहर गया गा भी मैं तो विधवा हाँ, मैं धक्कियां की मारी हुई हाँ, मेरे सिर ते कोई मेरी गुड़िया के बाप का छाया है नहीं गा, मम्मी मैनू तुसी मिना ठोकर मारियो। चल मेरे भी मन च दिया आ गई भी चल अगला ठोकरां दा मारे आ, चल दूजे की भी अगला वह करदा सुनदा गा ना। उस जनानी ने भी घरे आके चने चबाए इहो जे, दुपहर नूं नहर च डुबण तुर पैना, कदे किधर नूं तुर पैना, बस उन्हें आ लक्षण फड़े, सारा पिंड देखण वाला हुंदा सीगा। तुसीं लै के कोई कागज पत्तर नहीं बनाया उहदे नाल? कागज पत्तर बस उत्थे गए असीं संदूर भरिया ले आए, चल असीं भी असीं क्या भी दवाई हैगी भी चल अगली गल चलो ठीक है तुसी, पर तुसी, नहीं तुसी आ जिहड़ा स्टाम्प क्यों बनाया थोड़ा की गलबात करी? मेरे नाल आ गलबात करी मम्मी मैनूं पैसे दे दे मैं तुहानूं दे दूंगी मैनूं तनखा मिलूगी भी मैं नाले थो, मैं कहा मैं मकान लेना भी मैनू लुधियाने मेरी मासी ने फोन किया भी हरबंस तू आ जा मकान लेना है गा भी ते नाले सस्ता मिल रहा भी उन्होंने लोड़ हैगी भी उन्होंने पैसे की बहुत लोड़ है बंदे भी 3 लाख का बन जाना है। चल मैं कहा मैं मकान ले लैंदी, ये कहंदी मम्मी तू क्या करना मकान,
मैं तेरे नाम मकान लवाता है फलाना टमकाना लै हूँ तू दो पासे लत्त कहू पसंद ऐसा इस तरह बोली मैनु पैसे मेरे तो सारे ला ले मैं इन्हों पैसे नहीं देने मैं उन्होंने पैसे देगी मैं तक मैं इन्हों दे लगी मैं किन्ने पैसे दिते हूँ तक मैं उन्होंने 2 लाख रुपया दे बैठी हाँ हाँ जी 2 लाख रुपया कट्ठा दिता थोड़े थोड़े करके कट्ठे ही दिते हैं मैं क्या क्या कहती सी कहती मैं थोड़ा मोड़ दूंगी मम्मी मैनू जरूरत है ज्यादा सब भी बहुत ज़्यादा जरूरत हैगी भी मैनू दे दो भी मैं थोनू फिर मोड़ दूंगी भी मैं थोनू ये नहीं भी मकान दे के मैं थोनू पैसे लै रही हूँ थोड़े तो भी वह गल नहीं है यानी कि जिहड़ा तुसी पैसे दिते है वह एक बयाना किया वो बदले च वह कहती मैं मकान का कुछ नहीं लै रही दारे लै रही मैं थोड़े तो अच्छा हाँ जी भी मैं थोड़े पैसे मोड़ दूंगी पर नहीं गरंटी तौर पर थोड़ा बयाना तो कर ना हाँ जी ये बयाना करया उन्हें मैनू कहती मैं मम्मी पटियाले अर्बन स्टेट मकान हैगा भी मैनू मिलया होगा विधवा के तौर पर हुण सानू सच्ची हो गया भी विधवा ही होनी हैगी हाँ। फिर तुसी सोचा भी असी मकान वसी ले लांगे हाँ जी नहीं आप ही कहन लग गई मम्मी असी उत्थे ही चल जाना भी असी इत्थे नहीं रहना पिंड च असी उत्थे ही चल जाना है भी तुसी चक लो समान दा फिर दा लारे लगी जूं लाण भी 10 नू 12 नू 15 नू 20 नू 25 नू खाली होना है उत्थे कोई किराएदार रहिंदा फिर जो पता करा जाके की निकले पता किया बी उत्थे दा इहदे खासे पुल खुले मैं तुहानू दसा कहिंदी थोनू भी इन्होंने झांसे च लै लिया कहिंदी पहला भी कोई बंदा इदा ही फसाया उन्होंने भी कहिंदी मेरे 2 बेबी है थोनू भी कहिंदी इस गल्लां च लै लिया लोग भी उत्थे गल्लां करन माँ बाप भी मिले माँ बाप मैं मिली हाँ मैं यदि माँ को मिली यदि भैन भी मेरे घर आई भैन भनूजा सहुरा वह मैं दिता ले आएगा उन्हूं कपड़ा लीड़ा जिमें हूँ पहली बार कोई घर आ हाँ जी रिश्तेदारी तो देना ही पैंता कुड़मचारी का तो मैनू क्या पता ही भी मैनू तो मेरे तो यह कंडे बीज रही है सो तुसी दर्शकों तुसी सुन ली कहानी सारी अज किस तरह ठगी दे जिहड़े नवे नवे जिहड़े कांड सामने आ रहे ने 9 महीने ओह बैड दे उत्ते बैठी रही 9 महीने उहने जनानी ने पानी दा गलास नहीं पीता अच्छा भी हां 9 महीने जो प्रेगनेंट उहने कहा भी 9 महीने तो बाद फिर बच्चा तो उहदे होया नहीं ना बच्चा उहदे होया अजे तक नहीं होया बच्चा मैं तो वह सोचती भी यह जनानी एड्रा सानू क्या दिखाती रही ढिड विच नकली अल्ट्रासाउंड करके दिखाता है हाँ जी नकली दिखाता भी हाँ मैनू मैनू बैड रैसट दसी है मैनू फलाना मैं मर चली मैं बेहोश हो जाना डिग जाना माड़ा झाड़ू फड़ना तो इतने बरांडे च डिग जाना ड्रामे करने उन्हें जनानी ने बुरी तरह एक असं कुछ वीडियो देखी टिकटॉक से बड़ी बना टिकटॉक तुम इतें भी बना थोड़े होंगे हुई हाँ जी इतें भी बना दी नच नच के उदन जिदन करूआ रखे है उदन भी नच नच के फोटोआं बनाइया कुड़िया नाल सीगियां दोनों किन्ने किन्ने वे कुड़ियाँ कुड़ी एक खरे एक 6 साल की एक 5 साल की है अच्छा इस तरह करके है तो हुण तुसी क्या मंग करदे हो मैं बस जां तां मेरा पैसा मोड़ देवे मैनू होर कुछ नहीं चाहिए बस कार्रवाई होनी चाहिए उहदे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरी हाथ बन के बेनती है तुहाडे मैं पटियाले गई मेरी किसी ने नहीं सुनी है आ दिखाओ तो सर्टिफिकेट थोड़ा एफिडेविट कड़ा बनया जल्दी एफिडेविट इन्हां दे नाम पर लिख के देता हां तुसी देख रहे हो जी एफिडेविट बनाया जल्दी इन्हां नूं टिकाउण वास्ते बिल्कुल साइन भी तुसी देख रहे हो किस तरह क्या की करया होया है नोटरी तो टेस्ट करा के ते इन वालों एक शिकायत जी रोपड़ पुलिस नूं कीती हुई है ते असी भी मैं एक गुजारिश करदा भी रोपड़ दे SSP साहब नूं भी इस तरह दी जिहड़ियां ठगी ठगबाज लोग है ठगियां ठगने वाले लोग है उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त सज़ा होनी चाहिए है ते परचा दे 420 दा परचा जिहड़ा इदां दी औरतां दे खिलाफ देना चाहिए है दूजे पास जो उक्त औरत ने जो फोन से गलबात की गई तो उसने अपने ते लगे सारे दोषों ने नकारिया पर नाल ही पत्रकारों भी धमकी दी ते अपने फोन से एक होर व्यक्ति नाल गलबात करवाई जिसने अपने आप नू SHO कुलवीर सिंह दसिया ते इस औरत ने एक होर व्यक्ति पास नौकरी लगवाने लिए 45,000 रुपये ले हन भी कबूल किए हैं ते अपने आप नू कांग्रेस पार्टी की प्रधान भी दस रही थी।